तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1 से 5, 9 से 15 तक। इसराइली एलीम से आगे बढ़े। मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन इसराइलियों का सारा समुदाय एलीम और सिनै के बीच सीन नामक मरुभूमि पहुंचा। इसराइलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इसराइलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए हैं कि हम सब के सब भूखे मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। 6ठे दिन उन्हें दूसरे दिनों की अपेक्षा दुगनी रोटी बटोर कर तैयार करनी चाहिए। मूसा और हारून ने इसराइलियों के सारे समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, आज शाम को तुम लोग जानोगे कि प्रभु ही तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया और कल सुबह तुम प्रभु की महिमा देखोगे, क्योंकि प्रभु अपने विरुद्ध तुम्हारी शिकायतें सुन चुका है। हम कौन होते हैं जो तुम हमारे विरुद्ध भुनभुनाते हो? मूसा ने कहा, प्रभु आज शाम को तुम्हें खाने के लिए मांस देगा और कल सुबह इच्छा भर रोटी, क्योंकि प्रभु अपने विरुद्ध तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। हम कौन होते हैं? तुम लोगों ने हमारे विरुद्ध नहीं बल्कि प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाया है। मूसा ने हारून से कहा, इसराइलियों के सारे समुदाय को ये आदेश दो, प्रभु के सामने उपस्थित हो, क्योंकि वह तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। जब हारून इसराइलियों को संबोधित कर रहा था तो उन्होंने मुड़कर मरुभूमि की ओर देखा और प्रभु की महिमा बादल के रूप में उन्हें दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से ये कहा, मैं इसराइलियों का भुनभुनाना सुन चुका हूँ। तुम उनसे ये कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और शावनी पर बैठ गया, और सुबह शावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इसराइली ये देखकर आपस में कहने लगे, मन हो अर्थात ये क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था
कि ये क्या था। मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। उन्होंने अपनी रुचि का भोजन मांगा और इस प्रकार ईश्वर की परीक्षा ली। उन्होंने ईश्वर की निंदा करते हुए ये भी कहा, क्या ईश्वर हमारे लिए मरुभूमि में भोजन का प्रबंध कर सकता है। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। प्रभु ने आकाश के बादलों को आदेश दिया। उसने आकाश के द्वार खोल दिए। उसने उनके भोजन के लिए मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। मनुष्य ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। प्रभु ने उन्हें भरपूर भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवई चलाई और अपनी शक्ति द्वारा दक्षिणा बहाई। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। उसने धूल की तरह उन पर मांस बरसाया और उनके शरीर के बीचों बीच तथा उनके तंबुओं के चारों ओर समुद्र की रेत की तरह पक्षियों को गिराया। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। जय घोष, अलेलुया। अनुवाक्य। अलेलुया। बीज ईश्वर का वचन है और बोने वाले हैं मसीह। जो उन्हें पाता है वह अनंत काल तक जीता रहेगा। अनुवाक्य। अलेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 13 पद संख्या 1-9। यीशु किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ ना होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।